गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केटी दाउस व्लॉग्स। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है। हम तो बाहर गए थे हम लोग। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केटी दाउस व्लॉग्स। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हाँ, मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो गाइस, सभी यूट्यूबर के तरह मैं आप लोगों को घुमा फिरा के कुछ नहीं बताने वाली हूँ। मैं क्लियर कट मुझे कितना पैसा मिला है यूट्यूब से, मैं आपको क्लियर और डिटेल्स में बताने वाली हूँ। बस आप वीडियो एंड तक बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था 1.5 साल पहले, और 1.5 साल से बहुत ही मैंने हार्डवर्क किया यूट्यूब के लिए। अगर जो भी यूट्यूबर है उन लोगों को पता है यूट्यूब पे कितना काम करना पड़ता है। देखने में ऐसा लगता है चलो सिंपल व्लॉग्स है, सिंपल वीडियो ही है और क्या है, डेली रूटीन डालना है, बट उसके पीछे एडिटिंग वगैरह, अपलोडिंग, बहुत सारा काम होता है। और घर को मेंटेन करना, बच्चों को मेंटेन करना, फिर अपना पर्सनल काम देखो। तो इसी तरह से मैंने स्टार्ट किया था 2020-21 में स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली उसमें यूट्यूब में 4000 आवर वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया था। उससे पहले नहीं था, बट जब मैंने स्टार्ट किया था उससे 1 ईयर पहले से ये सब कंडीशन स्टार्ट हो गए थे। तो मेरे ऑलमोस्ट 3500 आवर्स कम्प्लीट हो गए थे वॉच टाइम के, और 1000 सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो गए थे। बट 500 आवर जो था वो पेंडिंग था, और उसी के बीच में ये कियांश का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके लिए मुझे 5-6 महीने यूट्यूब को छोड़ दिया था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मम्मी सच बताई ना। तो 5-6 महीने मैंने यूट्यूब से मतलब दूरी बनाए के रखा। मुझे कोई थॉट ही नहीं आया था कि यूट्यूब पे भी फिर से काम करना है। बस मेरे बच्चों को मैं देखती रह गई, वो लोग ठीक हो जाए तो और क्या चाहिए। तो उसी के पीरियड में मतलब 6 मंथ्स में मैंने जो भी अचीव किया था वॉच टाइम वगैरह पूरे डाउन चले गए थे, यानी कि 1000 तक, मतलब 1000 पे आके रुक गया था वॉच टाइम। 6 मंथ्स पहले ही मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन हो गया था इनेबल हैदराबाद। जब मैं हैदराबाद में थी, आप लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहते हो, मेरे ब्लॉग्स देखते रहते हो, तो आप लोगों को पता है जब मैं हैदराबाद में थी तभी मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया था। मुझे मेल आया था, मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद 1.5 साल के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन होता है तो बहुत ही खुशी होती है। तो उसके बाद मोनेटाइजेशन के बाद और एक कंडीशन आता है $100 का, जो फर्स्ट वाला पेमेंट होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है वो क्राइटेरिया पूरा करने में। तो गाइस, $100 कंप्लीट करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स लगे। 6 मंथ्स में मेरे $100 कंप्लीट हो गए, और कल जाके मेरा पेमेंट रिलीज हुआ था। और पेमेंट के भी कुछ प्रोसेस वगैरह थे, मैंने वो लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या प्रोसेस होता है। सो आज ये जो पेमेंट है वो आ चुका है। और सो गाइस, सबसे पहले ये जो पेमेंट आने का जो भी पीछे जो भी हाथ है, जो भी सपोर्ट है, ये इन्हीं का ही है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इन्होंने मुझे कुछ भी कंडीशन वगैरह कुछ नहीं रखा था। अगर मतलब तुम्हें पसंद है तो तुम करो, जो फील्ड में तुम्हें जाना है तो जाओ। तो उसके लिए इन्होंने सपोर्ट किया था। बीच में मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मेरा चैनल बहुत ही डाउन में चल रहा था, तब इन्होंने मोटिवेट किया कि अगर होता है स्टार्टिंग में सबको थोड़ा रगड़ना पड़ता है, सबको थोड़ा मतलब भाग दौड़ करनी पड़ती है, बाद में आप लोगों को काम इजी होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट बाद में इजी हो जाता है, करना पड़ता है। तो सेकंड थिंग, मेरी सिस्टर भी है, वो भी थोड़े कभी कभी अगर मैं व्यूज़ वगैरह कुछ आता नहीं है तो मैं उसको कॉल करती हूँ, वो भी मुझे थोड़ा समझाती रहती है। तो उसी तरह से मेरा बनाई थी। फिर मेरा इनकम कितना है, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर घुमा फिरा के बोलते हैं कि यूट्यूब के क्राइटेरिया के मुताबिक यूट्यूब के कंडीशन होते हैं, पेमेंट नहीं बता सकते हैं, बट मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरा जो पेमेंट है। सो मैं फिगर्स में नहीं बताऊँगी, बस आप लोगों को बताती हूँ कि कितना मिला है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता डिटेल्स में टेक्निकली कि यूट्यूब पे पेमेंट रिलीज मतलब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि डायरेक्ट लोग पेमेंट नहीं बताते, बस। सो मेरे पेमेंट में आप नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन आप ले सकते हो, इतना मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा वीडियोज़ कैसे लगता है। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय।